डिफाइन एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, फिजिकल फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे कार्बन के तीन एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुल रिंग। बोलता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट। अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ अल्मोनियम है, तो इन तीनों में सबसे छोटा अल्मोनियम होगा, सोडियम सबसे बड़ा होगा। यह सोलर पैनल दिखाया गया है। व्हाट इज सोलर पैनल? सोलर पैनल जो एक डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सनलाइट को। मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल्स, कैलकुलेटर वगैरह में यूज होता है। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू यूज सोलर सेल्स टू मीट ऑल आवर एनर्जी नीड्स? क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, रख रखाव खर्चीला है, और दूसरा हर टाइम सनलाइट होता नहीं है। यहाँ पर एक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट दिया गया है। ब्लड रिपोर्ट में यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है, गुड जिसको माना जाता है, वो 180 है। इससे अगर ज्यादा अगर हो जाएगा तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। डायबिटीज है यानी पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा, उसे इंसुलिन नहीं निकल रहा है। यहाँ दो पेशेंट का दिया गया है अलग अलग केस में, कि बिना फास्टिंग के, स्नैक्स लेने के बाद, दो घंटे के बाद। तो खाना खाने के दो घंटे का इसका है 140, इसका है 180 से ज्यादा, इसका 180 से ज्यादा, यानी इसको डायबिटीज हो रखा है। वेन लाइट रेज एंटर द आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किससे होता है? तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस वेन आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। द करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हुज एंड्स आर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। वी इक्वल्स आई आर होता है यहां पर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? तो वी आपको दिया हुआ है 6, आई दिया हुआ है 3, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 6/3, 2 ओम। इलेक्ट्रिक पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Which instrument is used for measuring electric potential difference? उसके लिए voltmeter होता है। pH range जो सबसे बढ़िया है survival के लिए 6.5 से लेकर के 7.5। इसी narrow range में सारा life form जो exist करता है। Which environmental problem is associated with the construction of high-rise dams? Dams बनेंगे तो बहुत बड़ा इलाका जो है वो डूब जाएगा, deforestation होगा, huge amount of money लगेगा, ये all of the above। लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आर सबमर्ज, डूब जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, खर्चा तो ज्यादा होता ही है। और इसको टिकिंग बॉम्ब भी बोलते हैं। बांध के कुछ अपने फायदे हैं कि एग्रीकल्चर होगा, इरिगेशन होगा, आप फिश पाल सकते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, पोल्स पे स्ट्रांग होता है। On what basis is a chemical equation balanced? हमको ये देखना होता है कि mass of reactant equals mass of product होना चाहिए, law of conservation of mass पे। Element X forms a chloride which is HCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be magnesium. यहाँ sodium का valency 1 है, aluminium का valency 3 है, silicon का 4 है, magnesium का 2 है, तो मैग्नीशियम के साथ ही HCl2 बनाएगा। ये यहां पे पहचानने के लिए दिया गया है। ये आइसोटोप्स हैं, आइसोमर्स हैं। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम अलग अलग रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। यही हम लोग जो गैस जलाते हैं घर में, LPG, उसमें यूज किया जाता है। A fuse wire is always connected in parallel with the main line. Reason, if a current larger than the specified value flows through the circuit, fuse wire melts. यहां पर क्या दिखा रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जा रहा है ट्यूब में डाल करके, तो क्या होगा? फेरस सल्फेट, इसका कलर जो है वो ग्रीन है। ये बचा फेरोफेरिक ऑक्साइड जिसका कलर की ब्राउन हो जाएगा। ये निकला सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों जो है वो दम घोटू गैसेस हैं। बोलता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कैसा केमिकल रिएक्शन है? तो ये डिकम्पोजिशन है। राइट द केमिकल इक्वेशन, FeSO4, उसको गरम किया, हीट दिया, Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको पता है कि ये POP के बारे में बात हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसका फॉर्मूला है CaSO4 / H2O।
व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर अ हार्ड सॉलिड मास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसको पानी डेढ़ पानी के साथ मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ, ये जिप्सम बन गया, ये हार्डन हो गया। राइट द बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि हर एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ 33A, E, G, B, C, D और F। इसमें बोलता है कि नोबल गैस कौन सा होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 या 18 होगा, तो उसके बाहर में जिसका 10 होगा उसका क्या होगा, 2 और 8, बाहर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आया यानी वो नोबल होगा, तो यहां पर जी जो होगा वो नोबल होगा। बोलता है हेलोजन, ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 जो होता है वो हेलोजन का होता है, तो ग्रुप 17 में कौन है, एफ, वो नोबल होगा। बोलता है अगर बी मिलेगा एफ के साथ, बी अगर कंबाइन करेगा एफ के साथ तो क्या बनेगा, बी जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11 यानी उसकी वैलेंसी भी 1, एफ जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17 यानी उसकी वैलेंसी भी -1, ये मिलकर के बना क्या, बी एफ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी एंड ई, सी जो है उसका 12 है 282 और ई जो है उसका एटॉमिक नंबर है 826। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में बोल रहा है कि उसका डायग्राम शो करो, आपको किडनी, नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन्स ये सारा दिखा देना है। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, पौधों के जड़ों का पानी की ओर मुड़ना, हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म, छोटा सा एक्टिविटी करके पानी डाला, उसमें गमला लिया, उसमें क्या किया, पौधा लगाया, और जिस तरह पानी देंगे कुछ दिन के बाद देखेंगे जड़ उधर ही मुड़ा हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा। होमोलोगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन अलग होता है। एनालोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, जैसे कॉकरोच और चिड़िया का पंख। व्हाट इज मीन्ट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ह्यूमन आई लेंस की एक खासियत होती है कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को घटा बढ़ा सकता है। द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नॉर्मल आई अनेबल टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस विद इन 10 cm, इसका मतलब उसको क्या हो रखा है, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है। नेम द थ्री कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म। इसके अलावा जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो उस पर कैटरैक्ट होता है, उसके कॉजेस दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है इसके बारे में मेरा पिछला वीडियो में उसमें दिया हुआ है, इसके बिहाफ पे मोटर चलता है। व्हाई बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, उनको ये सड़ा गला देते हैं, जैसे कि कागज, फल फूल के छिलके, फल सब्जियों के छिलके और सूती कपड़े। लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर इन द एनवायरमेंट, ये क्या करता है कि जो न्यूट्रेंट है उसको वापस रिलीज करता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, फ्लोरा फौना, उसके अलावा एबायोटिक फैक्टर भी है, सनलाइट, हीट, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा। हाउ इज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट एडवर्सली, एनर्जी का डिमांड बढ़ता जा रहा है और उससे क्या असर पड़ेगा, फॉरेस्ट कटेगा, हम लोग जो है वो रिसोर्स को रिन्यू होने का मौका नहीं देंगे, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और पूरा जो इकोसिस्टम है या एनवायरमेंट है वो बैठ जाएगा। व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड, क्योंकि हम लोग सीएफसी का यूज करते हैं, फ्रेयॉन्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ओजोन, O2 प्लस O मिलकर के ओजोन बनता है, ओजोन से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, यानी ओजोन लेयर थीन हो जाएगा, और अगर ओजोन लेयर थीन हो जाएगा तो क्या होगा उसका नतीजा, कि स्किन कैंसर होगा, चीजों की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। बोलता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में टेस्ट करने का, तो फिजिकल में क्या होगा, इथेनॉल अल्कोहल है, लिटमस टेस्ट नहीं देगा, इथेनोइक एसिड जो है लिटमस टेस्ट देगा, इथेनॉल जलेगा, इथेनोइक एसिड जलेगा नहीं, इथेनॉल जो है उसका टेस्ट जो है वो बिटर होगा, इथेनोइक एसिड का टेस्ट सोर होगा, खट्टा होगा। NaHCO3 से अगर टेस्ट करेंगे तो इथेनॉल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेगा, इथेनोइक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन मस्ट है।
एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है C2H5OH प्लस CH3COOH, ये मिलाए तो क्या बना CH3COOH5 और प्लस पानी। ये पूरा इक्वेशन है, ध्यान से देख लीजिए। राइट ए केमिकल रिएक्शन टू शो द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को डिहाइड्रेट करेंगे CONCH2SO4 के मदद से, तो इसमें से क्या होगा पानी निकल जाएगा C2H5OH, उसमें से अगर आप पानी निकाल दोगे तो H2O निकल गया, क्या बचा।